हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ग्रुप डी का आज का ये थर्ड शिफ्ट है और बात करते हैं कि कैसा रहा एग्जाम, कितने अटेम्प्ट दिए? 65। अच्छा, क्या क्वेश्चन आया, किस तरह के? इसमें करंट ज़्यादा पूछा था। अच्छा, क्या था अभी जैसे करंट में तो जैसे पिंजौर गार्डन कहाँ है? अच्छा, ये दिया था, श्रीनगर दिया था विकल्प में और दिए थे। हाँ हाँ। और ये विलियमसन किसके शासन काल में आए थे? विलियमसन। क्या था केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में जैसे था वो पूछा था कि किसके ऑक्साइड अम्ली होते हैं, किसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, किस धातु ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, इस टाइप का सवाल था। और ये पूछा था कि धातुओं ऐसे कौन से धातु हैं कि जो एट अ रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं, द्रवित अवस्था में हो जाते हैं। और पूछा था कि ऐसे कौन से धातु हैं जिनको केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। और पीरियाडिक टेबल से भी पूछा था, पीरियाडिक टेबल में पूछा था एलिमेंट की जो है उपस्थिति, जैसे दे दिया था कार्बन किस वर्ग का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है, ठीक है, कार्बन फैमिली में कौन कौन से तत्व बिलोंग रखते हैं। अच्छा। उसमें कई ऑप्शन थे, उस तरीके से सवाल पूछा था। और ये भी पूछा था कि कार्बन के कितने अपर रूप हैं, ठीक है, तो इस टाइप के सवाल थे। और फिजिक्स में भी था। सन 2016 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? क्या ऑप्शन में था? ऑप्शन में था तृणमूल कांग्रेस था और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी। अच्छा, वो था, वो था। बायोलॉजी में आपसे जीन वगैरह के विषय में पूछा था। किसकी? जैसे पूछा था कि पौधों में कौन सी कमी के कारण वो बौनेपन हो जाते हैं। अच्छा, इस टाइप का सवाल पूछा था। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे मुख्य सहयोगी कौन होता है पौधों में, मतलब पत्तियां क्यों क्लोरोफिल, मतलब क्यों प्रकाश संश्लेषण करती हैं, मनुष्य क्यों नहीं करता है, इस टाइप के सवाल थे। तो क्लोरोफिल वगैरह कारण था। इसमें साइंस का क्वेश्चन दिया था, इस पर गुरुत्वीकरण पर दिया था। अच्छा अच्छा, जी के मान पे। और दिया था एक तुरंत दिया, तुरंत पूछा था उसका, टी दिया था, समय दिया था और उसकी दूरी दिया था, उसमें तुरंत पूछा था। 61। आपने? 75। यस। अच्छा अच्छा, एक सवाल ये पूछा था कि पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी पर जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितने समय में आ सकती है यहाँ पे? तो लगभग वो 8 मिनट 20 सेकंड होता है। क्वेश्चन क्या होता है? क्या फिर सुनिए। द्विबीज वाले बीज कौन से होते हैं? द्विपत्री बीज का। और कथन और तर्क से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। अच्छा, लगभग मुश्किल से 10 पहुंच गया था कथन तर्क के वाले। कथन तर्क, यस सर, बोलना पड़ेगा। क्या था, कुछ क्वेश्चन बताइएगा सर। एक तो एज कितना था, मिंटू टीनू ये लंबा है, तो इसमें कथन तो वो तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अलजेब्रा से सर? नहीं, बोर्ड मास से आया। बोर्ड मास से आया आपको लगा? नहीं, अलजेब्रा नहीं। एक क्वेश्चन आया था उसमें के की वैल्यू फाइंड कर दी, क्वेश्चन दिया था के की वैल्यू फाइंड कर दी थी। हाँ हाँ, बस यही था। केवल एक क्वेश्चन अलजेब्रा। केमिस्ट्री का क्या था? केमिस्ट्री में बोर्ड वो दिया, पीरियोडिक टेबल दिया। और जैसे एल्किन एल्काइन, उसको सूत्र पूछा था, पीरियोडिक टेबल पूछा। हाँ, टेबल एल्काइन के जनरल फार्मूला पूछ लिया था। अच्छा, जनरल फार्मूला वो CnH2n-2 होता ही है। और ये बोला जाता था कि जो परमाणु का आकार होता है किसके आधार पे, किसके आकार पे दिया गया, परमाणु त्रिज्या, परमाणु भार, द्रव्यमान, संख्या किसके आधार पे। हाँ, मात्रक पूछा था, जैसे कि ग्रेविटेशनल का मात्रक क्या है, इस टाइप का सवाल था। फोर्स का जो है मात्रक डाइन न्यूटन वगैरह से था, एक न्यूटन बराबर कितना होता है। अच्छा हाँ, ये सवाल पिछले बार पिछले सेकंड शिफ्ट में भी शायद आया है, तो उल्टा कर दिया था। जैसे एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो एक डाइन में कितना न्यूटन, इस ये उल्टा पूछ दिया, मतलब क्वेश्चन जो है पलट के पूछ रहे हैं। हाँ, वो पेपर सेट इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। आखिर वो बनाएगा कहाँ से? हाँ, क्योंकि एग्जाम तो बहुत दिनों तक होना है, बनाएगा कहाँ से? हर दिन एग्जाम है, तो कितने क्वेश्चन बनेंगे, वो ऐसे ही घुमा टेंट तक तो देखना ही है, टेंट से ऊपर तो उसको लेना नहीं है, नहीं लेना। तो उसी में सवाल आगे पीछे करके जो है मैनेज कर रहा है। अरे, क्वेश्चन था कि जो कौन सी राशि है जो गुरुत्वीकरण में निर्भर नहीं करती, जैसे द्रव्यमान हुआ, हाइट दिया, पृथ्वी का आकार दिया, तो कौन सा नहीं है निर्भर, डिपेंड करती, द्रव्यमान होगा इसमें तो। मतलब कितने किए? 74 क्षेत्रमिति से नहीं, सरलीकरण से 4-5 क्वेश्चन थे, सरलीकरण से। क्या था, किस बोर्ड मार्क्स से? लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग में यही था जो है, रिलेशनशिप में, ब्लड रिलेशन में था, इंडिकेट करने पर जो है उसको पहचानना है। और डायरेक्शन से भी थे। क्या डायरेक्शन में? डायरेक्शन में क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, कि अगर मैं एक व्यक्ति वो दक्षिण जाने पर 5 बार दक्षिण की मतलब घड़ी की दिशा में घूमता है, फिर कुछ दूर जाने पर घड़ी की विपरीत दिशा में 8 बार घूमता है, तो उसकी स्थिति क्या होगी। इमेज से क्या था? प्रतिबिंब में ऐसा था कि मान लीजिए डायरेक्शन से ही था, वो प्रतिबिंब दोनों उसमें कर दिया था। जैसे कि था कोई व्यक्ति है, अगर वो उसकी परछाई पीछे की तरफ पड़ रही है, तो वो अगर उसका प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो किस दिशा में खड़ा है, इस टाइप का सवाल। तो टाइम भी बताया था कि इतने बजे वो खड़ा है? नहीं, वो टाइम नहीं देता है। अच्छा, मतलब ये दिया था? नहीं नहीं, देता है तो प्रातः काल लेता है और संध्या बंदन देता है। यही तभी तो डायरेक्शन का पता चलेगा कि किस दिशा में। हाँ,
ठीक इस टाइप के सवाल। हाँ हाँ, कितने अटेम्प्ट दिए आप लोगों ने? 48 प्लस है। आपने 72 किए हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन थे कुछ? रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग में क्या आया? रीजनिंग में कोडिंग कोडिंग और प्लस रीजनिंग में वर्बल से आया, नॉन वर्बल से आया, नेटिकल से आया, समझ लो इसमें से आया, मिनी टॉपिक्स उठाया, अल्फाबेट वगैरह उठाया उसमें, ब्लड लिस्ट, उसके बाद साइंस में मेटलाइज वगैरह और फिजिक्स जो है उठा, मेटलाइज और लाइट वगैरह से पूछा है, एटमॉस्फियर से पूछा था, और केमिकल से जो है कि आपका एसिड वगैरह पूछा था। क्या कौन सा एसिड का पूछा था केमिकल? जैसे पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द लिटमस इंडिकेट्स ऑफ इट इज एसिड, उसके बाद पूछा था व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटीज, स्क्वायर क्वांटिटीज, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी थे। और मैथमेटिक्स में अनुपात समानुपात था, प्रॉफिट लॉस था, और DUI से कुछ संबंधित सवाल थे। टाइम एंड वर्क्स से थे, टाइम वर्क्स थे उसमें। क्या थे कुछ उसमें? ऐसे थे कि जैसे कुछ महिलाएं, मतलब 23 महिलाएं 40 पुरुष के बराबर काम करती हैं, तो 4 महिलाएं इतने पुरुष के बराबर कितने दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, इस टाइप का सवाल था। बायो से ऐसे भी आया था कि एक किसी काम को दो बड़े 2.5 दिन में कर सकते हैं, और भी 7.5 दिन में कर सकता है, और ए 5.5 दिन में काम करके छोड़ चला जाता है। तो बताइए बी कि क्या दिन में? वो तो फ्रैक्शन पे था, फ्रैक्शन पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उसको डेसिमल बदलिए। बायो से क्या था? एक ही क्वेश्चन इसका बताया, प्रश्न कितने प्रकार के थे। क्रोमोसोम्स वगैरह था उसमें, और पौधे के डेवलपमेंट में क्या वृद्धि की जाए, मतलब कौन सा एसिड होता है जो कमी की वजह से उसका जो डेवलपमेंट रुक जाता है, इस टाइप का सवाल था उसमें। और फोटोलिसिस सेक्शंस क्या है, इस टाइप के सवाल थे उसमें। और परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन पूछा था। क्या था परसेंटेज में? यही क्रय विक्रय वाला। अच्छा, कुछ उदाहरण बताएंगे किस तरह का था, किस टाइप का परसेंटेज का? हाँ। परसेंटेज में जैसा जैसे ये होता है कि चाहे मतलब ए अपान बी का कितना परसेंट है या कि कैसे है, इस तरीके के सवाल उसमें पूछा था। हाँ। हाँ। कितने अटेम्प्ट दिए आप लोगों ने? 82। आपने 78। अच्छा, एक फोटो दिखाते हुए एक मित्र दूसरे मित्र से बोलता है कि मेरी पत्नी की बेटी का पति का क्या संबंध होगा मुझसे। डायरेक्शन का था, डायरेक्शन बेस्ड ब्लड रिलेशन का था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, राज्यपाल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। किस किस जगह के राज्यपाल को पूछा? असम के राज्यपाल को, असम के राज्यपाल का था। और आपको विक्रम साराभाई के निदेशक का बारे में पूछा था। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में आई है, और ज्योमेट्री में से भी कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कुछ खास नहीं है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन हैं बस। स्टूडेंट है बस, पूरा टाइम का खेला है बस सर उसमें। हाँ। किसी हार्ड नहीं है, प्रिपेयर करके आएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, और किसी राज्यपाल के बारे में पूछा गया? नहीं, ज़्यादा राज्यपाल के नहीं, एक आधी दो राज्यपाल के थे बस, असम राज्यपाल का ही मेन क्वेश्चन आया था। 20 क्वेश्चन थे जो मतलब करंट और जीएस को मिला के, बाकी सब साइंस का था, तो 20 में ज़्यादा कहाँ पूछेगा। तो क्या था 20 में, और कुछ और बताएंगे? मैं जीएस नहीं किया, मैं सिर्फ साइंस का। अब तक 20 किसे कहते हैं ये पूछा गया था? दाब का मात्रक पूछा था। अच्छा, टेबल से क्वेश्चन आया था, आवर सारणी से क्वेश्चन था कि कितने होते हैं, परमाणु भार क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, यही सब पूछा था। आवर सारणी से किस धातु की सबसे अधिक तन्यता होती है? सबसे अधिक किस धातु की तन्यता अधिक होती है? वो तो सिल्वर है, ए जी गोल्ड होता है। नहीं नहीं, ए जी है। अरे ज्यादा पंजाब में मतलब किसकी सरकार है, वो कौन सी ज्यादा जो पार्टी सीट जीती है पंजाब में, किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीता है? मतलब 2018 का बहुत कम क्वेश्चन था ना, 2017 के कुछ ज्यादा क्वेश्चंस थे। करंट के नाम पे पिछला था, करंट का मतलब होता है जो लेटेस्ट होना चाहिए वो नहीं था। देखिए, अभी इससे पहले वाला जो शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट था, उसमें ज्यादातर करंट अफेयर्स 2018 के आए थे, और अभी अचानक पूरा पैटर्न चेंज कर दिया इनने, है ना? यही है। साधारण ब्याज से एक था, ये 9 उसका मतलब रेट दिया था 9 वर्ष के लिए, और 1113 रुपये मतलब निवेश करने पर मूलधन ज्ञात करना था, और एक में आपको ब्याज ज्ञात करना था। 82-81 का वर्गमूल क्या होगा, ये उन्होंने पूछा था। फिर महत्तम समपर्वतक से कुछ आया था, एक सवाल 648 54 और 135 SCF पूछा था। क्या करना था? SCF पूछा था, महत्तम समापवर्तक।
एल्काइन का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन है। और ये तो इससे पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा है, एल्काइन का सूत्र पूछा था। केमिस्ट्री और मैथ्स रीजनिंग काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन सब अच्छे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं कह सकते कोई भी आकर के कि बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया है, लेवल का क्वेश्चन था। आप ग्रुप डी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बेहतर पेपर आया था, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। पहले हिस्ट्री बहुत पूछता था लेकिन अब हिस्ट्री भी बहुत कम कर दिया। अच्छा हाँ, हिस्ट्री से क्या आया क्वेश्चन? हिस्ट्री से नहीं था, एक दो तो होगा ही, एक क्वेश्चन था अगर बाबा के जमाने वाले कुछ क्वेश्चन थे। वो उन्होंने पूछा था कि अंग्रेज मतलब किस विलियम हॉकिंस शासक के राज्य में आए थे, विलियम हॉकिंस। और ये सत्याग्रह आश्रम मतलब का नाम क्या है, आश्रम वाला वो, क्या, हाँ। क्या 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 क्वेश्चन था कि सत्याग्रह आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, क्या ऑप्शन था? दांडी था, साबरमती था और एक दो और ऑप्शन था। क्या ट्रिग्नोमेट्री से क्या था? जैसे क्वेश्चन था कोसेक प्लस कॉट थीटा बराबर जो है टेन दिया था, कि कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करनी थी। एक टेन अल्फा था, टेन अल्फा बराबर कुछ दिया था ऐसे। अच्छा, उसके बाद टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का क्या होगा? नल टंकी से क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमें थोड़ी याद नहीं है। फिजिक्स में था भाई सदिश राशि, अदिश राशि, वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण, इस टाइप के सवाल थे। और अल्फाबेट से काफ़ी सवाल थे। क्या थे अल्फाबेट? अल्फाबेट्स में ऐसे सवाल थे कि जो है अगर अगर ए की स्थिति जेड की सॉरी एम की स्थिति प्रारंभ से 13वीं है तो अंत से कितनी होगी, इस टाइप के सवाल थे। एक अवार्ड पूछा था सर, उसमें लगभग क्या बोलते हैं, उसमें लगभग शाहरुख खान लगे जिससे सही था कोई। कौन सा अवार्ड पूछा था? अवार्ड वही क्या हुआ? समस्या हमारा ये है सर कि हमको सेकंड मीटिंग में मेरा पेपर था, सेकंड शिफ्ट में था। हाँ, मुझे बुलाया गया सर, उसके बाद बुलाने के बाद हम बोल रहे हैं कि चेहरा नहीं मिल रहा है, दाढ़ी नहीं मिल रहा है, ये वो करके पूरा मेरा डेढ़ घंटा खा गए, बैठाए रह गए सर। उसके बाद हमको बहुत परेशान किए कि तुम नहीं हो, बार बार टार्चर करें, मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ तो वो लोग चेक कर रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं नहीं तुम नहीं हो। उसके बाद सर बैठाने के बाद भी पता नहीं कहाँ से थर्ड मीटिंग मेरा एग्जाम करवाएं, मेरा पूरा पूरा टाइम खाए थे सर। यही समस्या है मेरा। क्या था, एडमिट कार्ड है क्या? हाँ सर, आधार कार्ड। फोटो में कुछ चेंज है आपका? फोटो में चेंजिंग की वजह से सर। वो दरअसल कंफर्म कर रहे होंगे कि आप ही हो या कोई और तो? हाँ सर, यही समस्या था मेरा, इसी वजह से। हाँ, ऐसा कई कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, इससे पहले भी हमने देखा है कि उनको एक घंटे बाद एग्जाम दिलाया गया लेकिन उनको पूरा टाइम दिया गया था। हाँ, टाइम तो सर पूरा दिया गया है क्योंकि टॉर्चर जैसा लगता है, क्योंकि वो जाँच पड़ताल के लिए वेरीफाई करते हैं कि वही सेम कैंडिडेट है या नहीं। हाँ, ये डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, कर दिया सर कि क्वेश्चन हमारा हो नहीं पाया, सही से मेरा हुआ। ये दिक्कत है। तो आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थर्ड शिफ्ट में 23 सितंबर को। और यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि जो करंट अफेयर्स है 2018 का मात्र एक आध क्वेश्चन पूछा है 20 क्वेश्चन में से, और ज़्यादातर 2016 2017 के थे, जो कि अगर हम सेकेंड शिफ्ट से तुलना करें तो बिल्कुल उल्टा था। सेकेंड शिफ्ट में 2018 के तमाम करंट अफेयर्स थे और अब थर्ड शिफ्ट में 2016 और 17 के करंट अफेयर्स ज़्यादातर देखने को मिले हमें। अब कल मिलेंगे 24 सितंबर को और फर्स्ट शिफ्ट से लेकर लास्ट तक आपको बताएंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ अब देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन जो है वो पलट के आ रहे हैं, जैसे साइंस में भी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही हैं लेकिन उसका स्वरूप बदला हुआ है। चूँकि देखिए करीब 150 से ज़्यादा शिफ्ट होने हैं टोटल रेलवे एग्ज़ाम में, तो ऐसे में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को बदल बदल के देखा जाएगा। तो आप इस जो हमारा वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। मैं सन्मय प्रकाश, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।